हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मेलवी बॉय। आज तुम्हारे भाई को एक मौका मिला है दिलजीत दोसांझ शूट करने का, और आई विल गिव माय बेस्ट, ऑल्दो दे आर नॉट पेइंग मी। मैंने 5 घंटे की जॉब छोड़ी है अपनी, और क्या, 5 घंटे की जॉब छोड़ी है, और मतलब थोड़ा शेडी काम लग रहा है, बट शेडी है नहीं मेरे को, क्योंकि लग रहा है क्योंकि जिस बंदे ने इंस्टाग्राम पर डाला था उसका मैंने कंपनी का पेज देखा, तो वो द वाइट कॉलर जो कंपनी है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर, बट दे आर नॉट पेइंग मी फॉर श्योर, एंड बट विच इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर माय पोर्टफोलियो, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनली आया हूँ, तो रॉड लेवर में एक एपिसोड शूट करने जा रहा हूँ अपना भी और दिलजीत भैया का भी, तो इट्स गोना बी क्रेजी। इट्स रेनिंग राइट नाउ, बट मेरे को कल रात को पूरी नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरी जो बात चल रही थी कल रात से ही चल रही थी, और मेरे पेरेंट्स वर लाइक तूने पैसों के लिए बाश क्यों नहीं किया, क्योंकि एकदम स्नैप में हो गया कि पता ही नहीं लगा कि भाई ये भी हो जा सकता है, और मेरे पास पूरे इक्विपमेंट भी नहीं थे। मैंने उसे मनाया, मैंने बोला भाई प्लीज़, मैं भाई मेरे को पता है मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, बिकॉज आई यूज़ कैनन एंड दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू हैव सोनी, तो लेट्स सी। ये माहौल है पूरा सारा, गेट नंबर 4, चलते हैं अभी, यहाँ दिलजीत पाजी एकदम सेक्सी। तो गाइस, कट तो नहीं चुका हुआ आ रहा, तो मैं यहाँ आ गया था, और ये देखो बारिश हो रही है। तो बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसे मैंने अभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने बस पूछा कि मीडिया एंट्री कहाँ से है, तो दीदी ने खुद ही किसी से बात करवा दी आगे, और मैंने कंपनी का नाम लिया जो द वाइट कॉलर फिल्म है, और उन्होंने कुछ अंदर डाला होगा तो, बट मेरा नाम नहीं आया, बट मैंने बोला आप देखो एक बारी चेक करो, और अमन नाम का बंदा है और उसके थ्रू मैं बातचीत कर सकता हूँ, या मैंने उन्हें ऑप्शन दिया कि मैं उसे कॉल करूँ, बोलती नहीं ठीक है मैं तेरे पास बनवा रही हूँ और बाहर भेज दी हूँ, और उन्होंने पूछा तू VIP में कर रहा है, मैंने हाँ मैं VIP में कर रहा हूँ तो अब पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है तो देखते हैं क्या होता है अगर। और आई फील ये व्लॉग मैं वर्टिकल ही बनाऊंगा, थोड़ा बेयर कर लेना, क्योंकि मेरे को रील के लिए भी कंटेंट निकालना, और मैं अकेला ही बंदा हूँ, मेरे का साथ कोई नहीं है, क्योंकि भाई ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है, तो वो कभी भी आ जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ बेयर कर लेना अगर वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगा सारा। 4 हो रहे हैं, गेट खुलने 6 बजे और लोग आना स्टार्ट हो गए, ये देखो सामने खड़े, और एक यहाँ से एंट्री है और दूसरा 3rd गेट नंबर से एंट्री है, बट आधे लोगों को बारकोड नहीं आया है और आधे लोगों को आ गए हैं बारकोड, क्योंकि प्रोबेबली आई फील द कंपनी इज़ न्यू जो ऑर्गेनाइज करवा रही है, टेक लाइफ करके कंपनी है, तो सही है जो भी है जैसे भी है, बट लोग भाई रेनकोट डाल के आ रही है, देखो रेनकोट है क्योंकि बारिश हो रही है इतनी, बट पीपल हैव टू मेक इट राइट, एंड मेलबर्न पीपल नो हाउ टू टैकल रेन। तो भाई कब तक आएंगे, 10 मिनट हो गए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, प्लीज़ आ जाओ यार, नहीं आएंगे तो फिर आई हैव टू, अरे वो अंदर आने ही नहीं दे रहे, मैंने अमन को कॉल किया, अमन फ़ोन नहीं उठा रहा था। अच्छा देख लो, अगर मिलता है आपको अमन उसको बोल दो कि आ जाए यहाँ पे। हाँ अभी अभी है, बंदे के साथ ही फोन फोन आ गए, लेट हो गया भाई, ये मत जान, ये नहीं जानी चाहिए बात, बाहर में बता रहा हूँ भाई, ये रिकॉर्ड कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी आए अभी अभी तो आए बस अभी कॉल कर रही है, वो ये व्लॉग ही डब लेते हैं, मजाक देखो मुंह तोड़ दूंगा फिर, ओए मत डालियो भाई, भाई बहुत पिटती हो रही है, मजाक कैसा लग रहा है, बढ़िया, यस सर लेट्स गो, request you to get seated as we are going to start the show very soon. बड़ा लेंस यूज कर रहा हूँ मैं, ये पूरा सेटअप हो रखा है, ये पीछे वाला सेटअप और वो रहा स्टेज, क्रेजी है, और इतना बड़ा स्टेडियम है, मैं शायद शूट नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी, बट व्हाट अ वाइब, व्हाट अ गुड इवनिंग गाइस, देखो कौन मिला है भैया, कौन मिला है, इसका बर्थडे व्लॉग देखा होगा आपने, अरे
परफेक्ट। मेरे से दो घंटे से ये सेट नहीं हो रहा था, रोज काम करता हूँ मैं, पता नहीं क्यों प्रेशर हो रहा था बहुत ज्यादा, बट नाउ हो गया फाइनली। बट ये अभी भी सही से फिक्स नहीं हुआ क्योंकि ये भारी है काफी लेंथ, और ये दिस इज नॉट एबल टू टेक द वेट ऑफ दिस थिंग जो मेरा ये है। और इस चक्कर में मैं ऐसे छोड़ के मैं मेरा सामान वहाँ पड़ा है वहाँ भी नहीं जा पाऊंगा, ताकि आते जाते अगर गिर गया तो ये लेंस मैंने रेंट पे ले रखा है तो बहुत बीटी हो जाएगी। बट आज आप चला चीज निकल जाइए। क्या ये क्या लिखा है? मैंने अच्छा एक कुकुड़ी जलाना मारा मारा तक काला पुश पुश दिलजीत पाजी से हम मिले थे बट सबसे लास्ट में मिले थे और हमारा फोन अलाउ नहीं कर रहा था उन्होंने, तो कोई फोटो नहीं हो पाई, बट सो डाउन टू अर्थ गाय, बहुत मजा आया उनसे बात बात करके। ऑफकोर्स अगर कोई मेरे से पूछना क्या बात बात करी मैंने, तो क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई थी थोड़ी सी, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना और मेरा काम देखो जाके इंस्टाग्राम पे। थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम डाल दूँगा, जाके वहाँ सपोर्ट करो और अच्छा कंटेंट आएगा। तो आई एम ब्लेस्ड कि भगवान मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। इट्स जस्ट बीन 11 मंथ्स आई एम इन दिस न्यू कंट्री एंड मेरे को दिलजीत पाजी का शूट मिला, सो आई फील आई एम ब्लेस्ड। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरे को पता मैं यूट्यूब पे उतना रेगुलर नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर ऑन माई इंस्टाग्राम।